उज्जैन संभाग आयुक्त आनंद कुमार शर्मा ने कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इसी के साथ कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में उर्वरक की कोई भी कमी नहीं है, समय पर उर्वरक की रेख आ रही है और किसानों की मांग के अनुसार वितरित भी की जा रही है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू को निर्देश दिए कि उज्जैन में BPL सूची शुद्धिकरण की जाए, इसकी कार्रवाई का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि पात्र हितग्राहियों को उनका वाजिब हक मिल सके। उन्होंने BPL सूची के शुद्धिकरण की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए BPL कार्डधारियों का उज्जैन जिलाधीश के निर्देशन में भौतिक सत्यापन का सर्वे कराया जा रहा है। संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि अपात्र पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाकर उनके नाम BPL सूची से हटाकर सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। बैठक में बताया गया कि गठित दलों के द्वारा सर्वे की जानकारी को एकजुट कर अपात्रों को नोटिस जारी किया जा रहा है, उनके नाम BPL सूची से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। संभाग आयुक्त ने कहा कि इस तरह का सर्वे अन्य स्थानों पर भी किया जाना चाहिए। संभाग आयुक्त शर्मा ने सहकारिता, मार्कफेड, खाद, नागरिक आपूर्ति निगम, वेयर हाउसिंग, मंडी बोर्ड, MP एग्रो आदि विभागों कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मध्य प्रदेश राज्य सरकारी विपणन संघ के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि यूरिया, NPK, SSP, DAP, MOP आदि उर्वरकों की संभाग में पर्याप्त भंडारण है और मांग अनुसार किसानों को वितरित भी किए जा रहे हैं। बैठक में उपायुक्त तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। कोविड के लिए 3 बजे की खड़ी।